या बंधु जी, एनपीएस में कुछ बड़े मैंने ऐसे उदाहरण देखे, आप लोगों ने मुझे बताए कि किसी को 600 रुपए का पेंशन बनी, किसी की 500 रुपए की पेंशन बनी। जी सर, अभी क्या गणित क्या है, क्या फंडा है? बड़े विद्वान लोग थे एनपीएस में, तो ये क्या, कौन सा अर्थशास्त्र ले आए? देखिए सर, जो एनपीएस बनाई गई व्यवस्था, वो टोटली पूंजीपतियों के हाथ में दी गई है। हमारा पैसा, सरकारी कर्मचारी का पैसा और सरकार का पैसा पूंजीपतियों के हाथ में जा, शेयर मार्केट में जा रहा। अब शेयर मार्केट में सर आप जानते हैं 2% 3% हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन 98% लोग बाहर होते हैं। अब उसमें व्यवस्था किया कि 60% हम आपको हार्ड कैश वापस कर देंगे, फिर 40% का, मजे की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 40% जो पैसा हमारा होगा वो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो पीएफआरडीए में ट्रस्ट कर रखा गया। हम जाकर के 40% पैसा किसी बीमा कंपनी को देंगे, वो बीमा कंपनी हमारी पेंशन तय करेगी। वहां ट्रस्ट शब्द है, गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है एनपीएस में। और जो पेंशन मिलती है एनपीएस के तहत, वो पेंशन नहीं सर, जो 40% पैसा हमारा रखा उसका ब्याज है। अब ब्याज 800 हो सकता है, ब्याज 1200 रुपए सकता है। अभी परसों नर्सों का मीडिया की खबर है, बरेली का उदाहरण आया है, 2400 कुछ रुपए एक व्यक्ति को रिटायर होने के बाद मिला, और उनका लगभग 54,000 लास्ट में वेतन था और 2400 रुपए मिला। अब उन्होंने बयान दिया, जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई 2400 रुपए, उन्होंने कहा कि सब्जी तो हो सकता है महीने भर की हो जाए, लेकिन राशन घर का नहीं आ पाएगा, ये दर्द है। 1662 रुपए, उसी दूसरे उदाहरण में आया, बरेली का ही था, 1662 रुपए का। अब 1662 रुपए में सिलेंडर लाएगा कि बिजली का बिल देगा कि अपने घर के लिए राशन लाएगा, 1662 रुपए सामाजिक सुरक्षा तो नहीं हो सकती फिलहाल। ये बात मतलब बहुत क्लियर है। और इसीलिए सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनपीएस के प्रति पूरे देश में गुस्सा है, और वो हकीकत पहले बताई जाती थी करोड़ों मिलेगा, आज सामने उदाहरण आ रहा है। और इसी वजह से अभी मैं सिक्किम की बात करूँ सर, जहाँ आपने चर्चा किया, सिक्किम में मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया और उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। आज 1 अक्टूबर की रैली में वहाँ जो प्रेमा भूटिया हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, आज वो अपनी टीम के साथ, महिलाओं के साथ दिल्ली आई हैं, क्योंकि उनको इस बात का दर्द है कि अगर हम एनपीएस में रह गए तो हमारा जो बुढ़ापा होगा वो असुरक्षित होगा। एक लास्ट बात जरूर मैं कहूँगा सर, जैसे अर्धसैनिक बलों की आप बात की सर, कई लोगों हमसे पास फोन करते रहते कि सर एनपीएस में है, मुझे रात में सोच सोच के तकलीफ होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनको मैं फीस भरना होगा और 1800 रुपये मुझे मिलेगा, मैं किस घमंड से कहूंगा कि मैंने देश की सेवा की, अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं? किस घमंड से मैं अपने माँ बाप से कहूंगा कि आपके चश्मे का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं और हम देश के सैनिक रहे? ये बहुत पीड़ा है। और हम समझते हैं कि सभी से, पार्टी का कोई सवाल नहीं, इस पार्टी उस पार्टी सर, इस पर मिल करके एक बड़ा फैसला सामाजिक हित में करें, और ये बिल स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है विजय बंधु। मनीष कुमार गुप्ता जी, आपके संज्ञान के लिए कुछ बातें मैं सामने रखना जरूर चाहता हूं आपसे, मतलब आप जैसी विचारधारा के जो लोग हैं देश में, उनके सामने चीजें आनी चाहिए, है ना, तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। पीछे नहीं जाऊंगा जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, उधर नहीं जाऊंगा, क्या नई बात सुनो जो भूले नहीं होंगे कोई। 2021 ये कोरोना वाला जो 3 साल थे, क्या 2021-22 जो भी थे, ठीक, इसमें पहली और दूसरी लहर में, सुन लो मनीष बाबू थोड़ा चेहरा ऊपर करके, ठीक, इनमें जो हाहाकार मचा देश में, प्राइवेट सेक्टर, फुल प्राइवेट सेक्टर, हाफ प्राइवेट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, आर्थिक विशेषज्ञ जितने थे, अभिनेता, नेता और जो जितने भी सोच सकते हो आप, क्या सब घर में दुबक गए? क्या बोले, खिड़की ना खोलना, खिड़की भी मत खोलना, क्या सब्जी भी खूंटी टांग जाओ, हम 2 दिन बाद उठाएंगे, कीड़े उसके कोरोना के वायरस मर जाए। क्या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नौकरी पर था, क्या मैं नौकरी पर था दोनों लहर में, क्या, और 300-400 लोगों की टीम के बीच में खड़ा होता था। मैं जब घर से आता था, सुनी सुनाई बात नहीं, ये बात मुझे भावुक करती इसलिए कह रहा हूं, 4-6 जगह मुझे पुलिस के पिकेट खड़ी दिखती थी, क्या उनकी आंखों में अपने बच्चों के लिए डर तो होता था, क्योंकि पेड़ से पत्ते की तरह आदमी टपक रहा था, मर रहा था, क्या, लेकिन वो थे पुलिस के सिपाही जवान, सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के थे, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ताला लग गया, डॉक्टरों ने ताला लगा दिया, टेलीफोन ही बंद कर दिया, बोले थोड़ सो सिम निकाल लो, बवाली खत्म। क्या प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति और सरकारी में जो कोरोना के पीड़ित जा रहे थे, डॉक्टर ये जान रहे थे कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, फिर भी इलाज कर रहे थे, कोई तुलना कर देंगे आप? बोले जी हमको जलेबी दो पहले, क्या तर्क है, कहां थे बाकी लोग? और पेंशन पाने के लिए भूख हड़ताल जरूरी नहीं, हम सबको परिवार को समझाना होगा,
हमारे साथ में हमारे गांव के मजदूरों को समझाना होगा, किसानों को समझाना होगा, और हम इस तरह से समझाएंगे कि वो लोग भी माने कि ओल्ड पेंशन बिल्कुल सही है। क्योंकि एक मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो, चाहे आम आदमी का बेटा, वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो एक कहीं ना कहीं एक सरकारी जॉब के लिए कर रहा है, तो उसको इसी तरह से समझाना है कि आपका बच्चा अगर सरकारी जॉब लगता है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, तो उसमें यही फर्क देखना है कि सरकारी नौकरी पर ओल्ड पेंशन का क्या होता है लाभ और एनपीएस में क्या होता है बेनिफिट। तो इसी तरह से हमको कम से कम एक कर्मचारी को, अगर शुभ आम आदमी को या मजदूर को या गांव के या परिवार को समझाते हैं तो लगभग 100 में से 40% ऐसे हमारे साथ जुड़ेंगे जो ओपीएस के लिए सरकार को वोट करेंगे या ओल्ड पेंशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी मुहिम चलानी है। मैं बात करूं तो आज भावनगर में 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि हम सभी कर्मचारी भूखी हैं एनपीएस को लेकर। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी 2024 के बाद में रिटायर्ड होता है तो वो एनपीएस में रिटायर्ड ना होकर ओल्ड पेंशन में रिटायर्ड हो। यही भूख हड़ताल कर रहे हैं जिसको हम सब कर्मचारियों को समझना होगा। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन कर्मचारी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, परंतु एनपीएस वाले कर्मचारियों को समझना होगा। मैं जरूर मानता हूँ कि हमारे भावनगर डिवीजन में कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से यह नहीं आ पाए, परंतु ये यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए कि सभी ब्रांचों में और सभी कर्मचारियों के हित कल्याण के लिए कि ओल्ड पेंशन आपके हित है या कल्याण में है या फिर आपके हित में है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि छोटा हो या बड़ा हो, सभी कर्मचारियों को एनपीएस मिलना ही तय है। तो ओल्ड पेंशन के लिए हम सबको जागरूक करना होगा, अपने परिवार को, अपने यार दोस्त को, चाहे किसान मजदूर हो और या स्टूडेंट को। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो 18 साल से अधिक हो गया हो और वो पढ़ाई कर रहा हो और पढ़ाई करके वो भी यही चाहता है कि मेरा बेटा या स्वयं नौकरी करना चाहता है, तो उनको भी हमको समझाना, प्रेरित करना जरूरी कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस में अंतर क्या है। और मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि यहाँ से संदेश जाना चाहिए कि कल मतलब 9 जनवरी 2024 को अधिक से अधिक संख्या में डीआरएम ऑफिस में पधारे। और मैं श्रीवास्तव जी अजय साहब से और सभी डीओबी से निवेदन करता हूँ कि 10 जनवरी 2024 को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 16 ब्रांच से आएंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।